कुछ समय पहले उज्जवल भाई मेरे विलेज के अंदर आए और वो तो भाई सीधा वर्ल्ड स्मॉलेस्ट प्रिजन के अंदर कैदी बन गए। लेकिन उज्जवल भाई फिर से आए और पूरा झुंड साथ में लेकर आए। तो गाइस यहाँ पे मिस्टर बीस्ट आया है, मिथपाट आया, रचित भाई आए हैं, मिस्टर रैंडम भाई आए हैं। तो गाइस यहाँ पे लेकिन जैसे ही वो आए इस विलेज के अंदर, जैसे ही एंट्री मारी भाई, यहाँ पे विलेजर्स के साथ दावत में बैठे और उन्होंने तो भाई उनको कैदी कर दिया। तो गाइस दिस इज माइनक्राफ्ट बट यूट्यूबर्स आर टॉयज। तो गाइस यहाँ पे मुझे लग रहा है कि विलेजर्स के पास कुछ खेलने के लिए सामान ही था। इन यूट्यूबर्स को पकड़ के एक कार्ड के अंदर बंद कर दिया। भाई ये तो कोई हॉलीवुड मूवी वाला सीन हो गया। तो गाइस वी आर एक्चुअली गोइंग टू सेव दिस यूट्यूबर्स। तो देखते हैं कि भाई इनको कहां पे कैद करके रखा हुआ है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना, बिकॉज़ वी आर सो क्लोज टू 2.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड आज की वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं 40। कैन वी डू इट? लेट्स सी। तो जी हां मेरे मित्रों, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो मेरा नाम अजय और गाइस यहां पे तो भाई आजकल मैं जेम्स बॉन्ड पे जेम्स बॉन्ड बनी जा रहा हूं, क्योंकि यहां पे कभी किसको सेव करो कभी यहां पे किसको सेव करो। वैसे यार यहां पे यूट्यूबर्स आए सारे के सारे और ये इन दुष्ट प्राणियों को देख रहे हो गाइस। इन सब ने पता नहीं क्या खिलाया उनको, एक कार्ड के अंदर बंद कर दिया, जैसे कि भाई फीफा कार्ड की कलेक्शन कर रहे हो ये। उन यूट्यूबर्स को तो भाई कार्ड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। देखा भाई ये इनसे मैं सोशल डिस्टेंस बना के रखता हूं, ये ना हो भाई मेरे को भी कार्ड के अंदर कन्वर्ट कर दे। भाई उन यूट्यूबर्स को कौन बचाएगा? लेकिन गाइस उन यूट्यूबर्स को बचाने से पहले अपनी थोड़ी बहुत ही कलेक्शन वगैरह कर लेते हैं और यहां पे गाइस बेसिक टूल्स वगैरह बनाते हैं। लेकिन यहां पे भाई कोई स्मिदी वगैरह तो हो गई, तो स्मिदी के पास चलते हैं और वहां पे एक्चुअली में देखते हैं कि उसके पास कोई आयरन वगैरह है या नहीं है। तो बिल्कुल ठीक सामने स्मिदी। ओके मुझे लग रहा है कि गाइस आयरन गोलम को सही लपेटा इन यूट्यूबर्स ने। काम करते हैं। वेट अ मिनट यार, यहाँ पे स्मिदी के पास तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे दो एप्पल, एक सैडल और तीन ब्रेड ही है इसके पास। लेकिन गाइस यहाँ पे दूसरा स्मिदी भी है। अरे इस विलेज के अंदर तो भाई बहुत ही माला माल लोग रहते हैं। वेट अ मिनट, यहाँ पे गाइस मुझे एक सोर्ड भी मिल गई और यहाँ पे गाइस थोड़ी सी ब्रेड एंड चेस्ट प्लेट भी मिल गई। यहाँ पे हमारा पीवीपी वाला सामान तो रेडी हो चुका है, बस एक शील्ड बनानी है। लेकिन भाई यहाँ पे आयरन वगैरह तो है ही नहीं। लेकिन आयरन गोलम को आज तो भाई मैं छूंगा भी नहीं, क्योंकि ये ना हो गाइस आयरन गोलम को छुआ और मैं भी उस कार्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया। लेकिन गाइस यहाँ पे इनको कैद कहाँ पे किया हुआ है? ये आयरन गोलम बताना भाई, नहीं तो देख ले तू ऑलरेडी चूर चूर हो चुका है, मैं और भी चूर चूर कर दूंगा तेरे को, बता दे। नहीं बताना। ये ले भाई दो पड़ी तेरे को, अब दो तीन और मैं मारूंगा। ये ले तेरी, तो ये ले। ओ भाई साहब, अबे ये तो एक हिट के अंदर चला गया। तो गाइस चार आयरन तो मुझे मिल गए, लेकिन अभी मुझे वो केव वगैरह ढूंढनी है। भाई इनको कहां पे छुपा के रखा हुआ? वेट अ मिनट गाइस, और यहां पे अंदर कैसे जाना है? वेट अ मिनट गाइस, इन्होंने तो भाई एक सीक्रेट डोर बना के रखा हुआ है। एक काम करते हैं, इस बटन को प्रेस करके देखते हैं। अबे यार यहां पे तो चूना पे चूना लग रहा है भाई। ओ चूना लगा दिया। मुझे लगता है कि इन्होंने अपनी जेब के अंदर ये चाबी छुपा के रखी है। अबे चाबी दो। अबे यार चाबी का नाम लिया भाई, सबके सब इधर उधर भागने लगे। ए जैक स्पैरो इधर आ, चाबी निकाल यार, अपनी जेब में से चाबी निकाल भाई। इतने बड़े बड़े तूने ग्लव्स डाल के रखे हैं, मुझे पता है भाई कि तुझे बॉक्सर बनना है। देख ले, ये ना हो मैं तेरे साथ बॉक्सिंग मैच करके तेरी दूसरी आंख भी फोड़ दूं। सही बता रहा हूं, अंधा जैक स्पैरो बन जाएगा। अबे निकालना यार चाबी वगैरह, निकालते नहीं गाइस। ये काम करते हैं, यहां पे इधर उधर चाबी तो भाई हमें ढूंढनी ही पड़ेगी इन डबल स्टोरी बिल्डिंग्स के अंदर। देखते हैं क्या पता किसी ना किसी चेस्ट के अंदर पड़ी होगी भाई। जिस विलेजर के पास चाबी निकली ना, सही बता रहा हूं मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। एक काम करते हैं, वेट अ मिनट, यहां पर तो भाई क्ले वगैरह, यहां पे तो चाबी है ही नहीं। अभी कहां पर है यार ये चाबी? एक काम करते हैं, इस घर के अंदर चलते हैं, देखते हैं भाई इस घर के अंदर चाबी है। यहां पर भी नहीं है भाई, यहां पर भी नहीं है। ओ वेट अ मिनट गाइस, यहां पे मुझे फाइनली एक की तो मिल गई भाई। मैं तो उतावला हो रहा हूं गाइस। यहां पे बाबा टीटू ने मुझे बोला था भाई इन मेहमानों की अच्छी तरह से खातिरदारी करी हो, लेकिन भाई ये मेहमान तो जेल के अंदर बैठे हुए हैं। तो अभी एक काम करते हैं गाइस, यहां पे फटाफट से जाके अपना क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं। मुझे लग रहा है कि मुझे चाहिए होगा, क्योंकि गाइस बाबा टीटू ने बोला यहाँ पे यूट्यूबर्स आए थे एक चैलेंज करने के लिए सबके सब कंबाइंड। लेकिन गाइस वो चैलेंज अब मुझे कंप्लीट करना होगा। तो वैसे अभी मुझे बस एक आर्मर वगैरह चाहिए, दैट इज ऑल आई नीड। और गाइस यहाँ पे तो भाई फिर मैं एंडर ड्रैगन तक को उड़ा सकता हूँ। लेकिन भाई ये तो बहुत मैंने बड़ी बात कर दी। लेकिन अभी एक काम करता है, यहाँ पे अंदर जाके देख लेते हैं कि इधर क्या मिलता है हमें। तो ये डाली भाई मैंने की और ये दबाया गाइस मैंने बटन। अबे खुल जा। ओह माय गॉड गाइस खुल जा, सिमसिम तो हो गया। लेकिन भाई साहब यहाँ पे मैं उधर कैसे जाऊंगा? यहाँ पे मेरे पास ना ही कोई पिकैक्स है ना ही कुछ है। मुझे लग रहा है कि ये विलेजर ने पार्कोर बना के रखी है ताकि भाई वो यूट्यूबर कार्ड के कमरों में भाई कोई एंटर ना कर पाए। ओ माय गॉड गाइस, इस एंड रोड के ऊपर पार्कोर हम कैसे करेंगे? ओ माय गॉड भाई ये तो बहुत ही खतरनाक है। अरे कैरी भाव, आप तो कार्ड बने हुए यार दीवार के ऊपर चिपके हुए वहां पे। रुको यार मैं अभी आपको बचाने के लिए आता हूं। एंड देयर वी गो। वेट अ मिनट गाइस, यहां पे एक स्पेशल पिकैक्स भी पड़ी हुई है भाई। यहां पे मुझे लग रहा है कि ये स्पेशल पिकैक्स यूज होती है इन आयरन बार्स को तोड़ने के लिए। ओके कैरी भाव, अब तो मुझे लग रहा है कि आप रिलीज करने का टाइम आ चुका है। अरे यार यहां पे तो भाई पूरा फीफा कार्ड इनका बनाया हुआ है भाई, ये देखो। अरे यूट्यूबर को पता नहीं कौन सा जादू करके कार्ड के अंदर कन्वर्ट कर दिया भाई। एक काम करते हैं, इनको रिवील कर रहा है। देयर वी गो 3 2 1। ओबे कैरी भाई आप तो यार बाहर निकल गए। अबे यार कहां पे भाग रहे हो? अबे मामा मुझे पता है कि इस विलेज के अंदर आके आपके ऊपर बहुत बड़े बड़े संकट आए हैं, लेकिन यहां से बाहर कैसे निकलोगे भाई? बाहर का रास्ता खाली मुझे पता है। ओ माय गॉड गाइस, इन्होंने क्या दिया भाई मुझे थैंक्स के लिए? व्हाट? अबे ये कौन सी ट्रिक है आपके पास भाई? यहां पे स्लाइम के ऊपर चढ़ के भाई सीधा ऊपर छलांग मार दी आपने तो। ये भाई बहुत खतरनाक ओलंपिक वाला आदमी लग रहा है मेरे को। लेकिन गाइस कैरी भाई ने मुझे दिया डायमंड का हॉर्स आर्मर।
आर्मर और यहाँ पे भाई मुझे गोल्डन कैरेट भी दे रखी है, तो ये तो भाई बहुत ही खतरनाक चीज होगी। वेट अ मिनट गाइस, यहाँ पे तो हर जगह पे ट्रैप बिछा के रखे हुए हैं यार इन्होंने, तो यहाँ पे जहाँ पर भी जाऊँ ट्रैप। अरे निश्चय भाई आपको भी रिलीज करने का टाइम आ चुका है, ये लो 3-2-1 एंड यू आर डन। ओके तो गाइस निश्चय भाई ने तो भाई मुझे लाइटर दिया अवेंजर्स एसएमपी से, लगता है भाई ये लाइटर वगैरह उठा के लेकर आए मेरे लिए। ओके तो एक काम करते गाइस, लाइटर अभी नहीं डालते, चेस्ट प्लेट डाल देते, बिकॉज वी नेवर नो कि गाइस किसका अटैक हो जाए। अबे निश्चय भाई आप भी मुझे लग रहा है कि उस स्लाइम के ऊपर छलांग मार के ऊपर जाना चाहते हो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अरे यार ये भी अपना रास्ता पकड़ा। अभी यार ये देखो अभी क्या बंदे हैं यार ये, तो इन यूट्यूबर्स को भाई अब मैं नहीं पकड़ पाऊंगा, मुझे लग रहा है कि ये सबके सब यूट्यूबर्स इधर से भागने वाले हैं। भाई ये नाराज तो नहीं होगे मेरे से? तो गाइस एक काम करो, इसी बात पे एक लाइक का बटन ठोको यार, क्योंकि मैं कल की वीडियो में एक गिव अवे करने वाला हूं। और अगर आप चाहते हो कि कोई ना कोई यूट्यूबर आपको एक गिव अवे दे, तो भाई अभी क्या सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना। तो अभी एक काम करता है, यहाँ पे ये मेरा है और यहाँ पे मिथ पार्ट का है, तो अभी एक काम करते हैं यहाँ पे मिथ पार्ट को पहले रिलीज कर देते हैं। लेट्स सी कि मिथलेस आई मीन मिथ पार्ट मुझे क्या देता है। ओह माय गॉड यहाँ पे तो भाई शल्कर बॉक्स दे रहा है भाई, यहाँ पे शल्कर बॉक्स के अंदर तो कुछ है ही नहीं, रिपीटिंग कमांड ब्लॉक का भाई मैं क्या करूँ। एक काम करते गाइस अपने आप को भी रिलीज कर लेते हैं। अबे मैं तो बिल्कुल तेरे सामने ही हूँ। ओह माय गॉड गाइस मेरे कैरेक्टर ने तो भाई मुझे कितना सारा डायमंड दिया। ओह माय गॉड गाइस सोल कैंप फायर, अरे ब्लू आइस डायमंड की सोल। ओह माय गॉड गाइस ये तो भाई खतरनाक चीज है। एक काम करते हैं यहाँ पे इस डोर के पीछे हमें जाना पड़ेगा। इस दरवाजे की कौन सी है, ये वाली तो नहीं है? नो 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 भाई टीएनटी पे टीएनटी फट रहे हैं। नहीं भाई नहीं 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 नहीं, एक गलत कदम मैंने लिया मैं ही यहाँ पे उड़ जाऊंगा। अरे रचित भाई यहाँ पे मुझे लग रहा है आप तो भाई एंडर ड्रैगन स्पॉन करके जाओगे, अपना बदला तो लोगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ स्केरी तो करके ही जाओगे। वेट अ मिनट यहाँ पे स्केरी नहीं भाई, यहाँ पे तो भाई इन्होंने टीएनटी दे दिया, टीएनटी तो गाइस मुझे बहुत ही जरूरी चाहिए। लेकिन गाइस यहाँ पे एंड के अंदर होगा क्या, मुझे उज्जवल भाई क्या देंगे, रोहन भाई क्या देंगे, लेट्स सी मिस्टर रैंडम क्या देता है। अबे मिस्टर रैंडम जी यहाँ पे क्या ही दे रहे हो भाई, कौन से स्पॉन एग दे रहे हो भाई, जोगलिन स्पॉन एग, मुझे मारना चाहते हो क्या, मुझे नेदर के अंदर भेजना चाहते हो क्या। एंड यहाँ पे देखते हैं भाई 20 बॉय शुभ क्या देता है, मुझे लग रहा है कि ये तो पहले अपने चिकन को बचाएगा भाई, यहाँ पे मुझे लगता है कि इसके चिकन वगैरह को भी इस कार्ड के अंदर। वेट अ मिनट गाइस यहाँ पे तो भाई मुझे बो एंड एरो मिल गई। वेट अ मिनट नो 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 गाइस यहाँ पे तो यार बैग बाकी ब्लॉक है और भाई मैं आगे कैसे जाऊंगा। एक काम करते हैं गोल्डन कैरेट अपने हाथ में रखते हैं। नहीं 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 भाई, अरे आराम से। ओ भाई साहब बच गया, सही बता रहा हूं गाइस अभी मैं जाने वाला था। इन यूट्यूबर्स को बचाते भाई मेरी आधी सीधी बॉडी खराब हो जाती है। तो एक काम करते हैं गाइस यहां पे डायनेमो को बचाते हैं और मुझे उम्मीद है कि डायनेमो तो भाई कोई ना कोई गन वगैरह निकालेगा। लेट्स सी व्हाट ही एक्चुअली हैज टू गिव अस। ओह माय गॉड वेट अ मिनट गाइस यहां पे नेदरराइट, अरे टोटम ऑफ अनडाइंग, अरे डायमंड क्या कहते हैं, तो ये पकड़ा भाई मैंने टोटम ऑफ अनडाइंग अपने हाथ के अंदर और अब तो भाई मुझे आयरन वगैरह तक नहीं चाहिए। तो एक काम करते हैं गाइस यहां पे नेदरराइट तो मैंने उठा लिया। देयर वी गो गाइस वी आर फुली कवर्ड इन नेदरराइट, अब तो भाई मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। ये डाली भाई मैंने चेस्ट प्लेट और ये पकड़ी भाई अपनी नेदरराइट की सूट मैंने अपने हाथ के अंदर। एक काम करते हैं ये नेदरराइट खुद अपने पास रख लेते हैं इन केस भाई कभी कभी काम आ जाए। तो एक काम करते हैं गाइस अब मिस्टर बीस्ट की बारी आ चुकी है, इसको बचा के मुझे बहुत पैसा मिलने वाला है। मैंने बोला ही था गाइस मुझे बहुत सारा पैसा मिलने वाला भाई, यहाँ पे गोल्ड मिल गया, यहाँ पे एमराल्ड मिल गया भाई। ये काम करते हैं, अबे मिस्टर बीस्ट वहां पर रास्ता नहीं है, अबे यहाँ पे जा भाग। और अभी गाइस फाइनली मुझे समय आ चुका है कि उज्जवल भाई को सेव कर लेते हैं और यहाँ पे उज्जवल भाई कोई ना कोई नेदरराइट का ओपी एन्चेंटेड आर्मर जरूर देना यार, मुझे यहाँ पे बहुत उम्मीद है। लेकिन यहाँ पर तो भाई पोपट ही हो गया ना, यहाँ पे मुझे दिया ही क्या है गाइस। यहाँ पे चलो एक शील्ड मिल गई, 9 गॉड एपल्स भी मिल गए और यहाँ पे गाइस 16 एंडर पर्ल भी मिल गई। एंड ये क्या है, वेट अ मिनट ये क्या भाई, ये दोनों तो भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि ये बाहर का रास्ता नाप रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये सीक्रेटली केव माइन करेंगे, इनको रास्ता वगैरह पता है। लेकिन गाइस यहाँ पे नीचे क्या है भाई, ये तो वॉइड है। अरे नहीं वेट अ मिनट गाइस ये तो मैं एंड के अंदर आ गया, मुझे लग रहा है कि मुझे एंड पोर्टल के अंदर। अबे बैट तू भी मेरे साथ साथ आ गया, अबे व्हाट द हेल गाइस, अरे यहाँ पे भाई मैं मरा कैसे भाई, उस बैट को मार के मैं कैसे मरा, अरे उस बैट ने तो भाई मेरे जान ही छीन ली, सही बता रहा हूं गाइस ये तो बहुत ही खतरनाक बैट निकला यार। तो अभी एक काम करते गाइस मुझे लग रहा है कि जो मिशन पे ये सब यूट्यूबर्स आए थे उनका मिशन मैं खुद ही कंप्लीट कर लेता हूं और वो है बिल्कुल एंडर ड्रैगन को मारने का विदाउट इवन हैविंग एनी एन्चेंटमेंट्स। तो गाइस सबके सब क्रिस्टल्स तो तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, काम करते हैं अपनी डायमंड की एक पिक बना लेते हैं और वो आई बिलीव गाइस फास्ट हो जाएगी। लेकिन भाई मैं तो ये भूल गया कि मेरे ये लाइटर मेरे हाथ में है, अरे ये लाइटर डाल के भाई ये सबके सब एंड क्रिस्टल्स को क्यों नहीं तोड़ता। लेकिन पहले भाई तू नीचे आ जा, नहीं तू पहले नीचे ही आ जा, पहले मैं तेरी मुंडी ठीक करूं तो करना, फिर मैं और एंड क्रिस्टल्स वगैरह को उड़ाऊंगा। ये गया भाई तू और ये गया मैं ऊपर, खबूम और ये भी गया और गाइस ये है लास्ट वाला और ये भी गया। तो गाइस यहाँ पे सबके सब एंड क्रिस्टल्स जा चुके, अब आ जा तू ड्रैगन, अभी मूड नहीं है। तो गाइस अगर मैंने ये एरो मिस नहीं किया तो गाइस आपको लाइक का बटन दबाना पड़ेगा और अगर मैंने मिस किया तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अबे यार ये तो भाई मैंने मिस ही कर दिया, तो गाइस सब्सक्राइब कर देना। चले काम कर, जब तक तू नीचे नहीं आता मैं हवा के अंदर उड़ के ही तेरे को मार लेता हूँ। ये ले ये ले ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले।
ये ले। आ गया आ गया आ गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया। भाई दो तीन एरो इसको ऐसे ही मार लेते हैं और फिर गाइस अपनी नेदरराइट की सोड मेरे हाथ में है। इसकी मुंडी कहां पर है? ये रही मुंडी। अबे जा, अब जा भाई तू, अब मैं तेरे को इधर ही उड़ा के जाऊंगा भाई, अब मैं तेरे को उड़ने दूंगा। अबे यार ये तो उड़ गया, लेकिन गाइस अब तो आज मैं इसको हवा के अंदर मारूंगा, वो भी मैं लाइटर के साथ उड़ उड़ के मारूंगा भाई इसको। अब तू गया ठाकुर, तू तो गियो, अब तू खत्म है, अब तो तुझे नॉच भी सेव नहीं कर पाएगा, अब तू खत्म है मैं बता रहा। अबे यार तेरी पूंछ के ऊपर मैं क्यों ट्रैवल कर रहा था? ओ माय गॉड भाई, कहां कहां पे भेज रहा है भाई मेरे को? मुझे ऊपर तो अपने एंड की सवारी दे रहा है भाई, वो भी हवा के अंदर। लेकिन भाई ये लास्ट एरो है भाई, एक एरो का है। तो गाइस अब ये एक एरो का ही शिकार है और अब तो मैं इसको उड़ उड़ के मारूंगा। ये गया भाई, मैं 360 एंड ये पड़ी इसको, एंड ये पड़ी इसको, और ये पड़ी इसको, और ये पड़ी। तो गाइस आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही। दिस वॉज माइनक्राफ्ट बट यूट्यूबर्स आर टॉयज। तो गाइस उनको मैंने सेव कर दिया एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।